सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम एंड यू आर वाचिंग ओएमआरएससी व्लॉग्स। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हम आपको पांच ऐसे रीजंस बताऊंगा होंडा एसपी 125 के बारे में जिसको आप जो है जिसके वजह से आपको होंडा एसपी 125 इन 2022 नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले जो वीडियो को शुरू करते हैं, देन वी हैव टू कम द पॉइंट। सो गाइज, यहाँ पर जो है अपनी होंडा एसपी 125 के निगेटिव्स या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपको होंडा एसपी 125 नहीं खरीदना चाहिए इन 2022। तो चलिए जो है फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन होगी इसकी टायर्स। तो ये थोड़ा जो है इसकी टायर जो है फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको 80x118 इंच की ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है, जो कि परफॉर्म तो अच्छी करती है, बट इस सेगमेंट के हिसाब से इसमें जो है पतले टायर्स दिए हुए हैं। पिछला टायर जो है पतला आपको लगेगा एंड हायर स्पीड में जो है अच्छी स्टेबल नहीं रहती है, जैसे 80-90 की स्पीड में। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा उतना चलाएं, लेकिन ये फिर भी आपको कीचड़ वाले रास्तों में भी स्टेबल नहीं रहती है ये टायर। तो थोड़ा तो निगेटिव हो गई, अच्छी चीज़ें हैं तो निगेटिव भी होती हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो LED हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है, जैसे कि इसी सेगमेंट में आ जाती है ग्लैमर एक्सटेक एंड अपनी TVS राइडर 125, इसके मुकाबले इसमें जो है ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको नेगेटिव माने ना माने, मैं तो नेगेटिव मान रहा हूँ। तीसरा हो गई इसकी साइलेंसर की जो पेंट क्वालिटी है, जैसे यहाँ आप हायर स्पीड में चलाएंगे या फिर कुछ होंगे तो इसकी जो साइलेंसर की पाइप जो है उसकी कलर जो है फेड पड़ने लगा है। मेरी बाइक में भी हुआ है, मैंने कई बार दिखाया हुआ है आप सभी लोगों को। तो ये हो गई। चौथा की बात करें तो इसकी जो पीछे की सीट है वो थोड़ी सी ना बैठने पर फटफिट 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 की आवाज़ आती है। आप राइड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे वाले को तो ज़रूर पता चलना ही है, वो तो सब बाइक में होगा ही, लेकिन इस बाइक में आपको बाकी बाइक से कम्फर्टेबल मिलेगा। बाकी इसकी साइड सीट को थोड़ा सा और कम्फर्टेबल बना सकते थे एज आई विश। तो फोर्थ मैंने बता ही दिया है। फिफ्थ मैं किसी चीज़ के इंक्लूड करूँ, ये थोड़ा ओवर प्राइसी है इस सेगमेंट के हिसाब से, ये बाइक थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, तो इसके वजह से भी आप इस बाइक को नहीं खरीद सकते अगर आपका बजट कम है तो। बाकी अगर आपका बजट है तो आप इस बाइक को ज़रूर खरीदें, क्योंकि मैंने 5 रीजंस पहले ही अपलोड कर चुका है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा लिंक, वहाँ पर जो है आप वीडियो को देख कर सकते हैं कि क्यों इस बाइक को खरीदना चाहिए और क्यों इस बाइक को नहीं खरीदना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको तो बता ही दिया। तो फटाफट से गिना देता हूँ आपको समरी के रूप में, वीडियो के समरी के रूप में। इसीलिए गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो को लास्ट में आपको समरी बता देता हूँ वीडियो का, और खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में ही बताता हूँ। तो गाइज वीडियो के एंड तक जरूर देखा करिएगा, ये तो फिलहाल वीडियो के एंड में ही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसको वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं 5 अच्छे नेगेटिव्स बता ही दे रहा हूँ, पहले ही बता चुका है, लेकिन फटाफट से आपको गिना देता हूँ। पहला इसकी टायर जो कि पतला है, सेकंड इसकी क्या बताया था हेडलाइट, तीसरा इसकी साइलेंसर की क्वालिटी, फोर्थ इसकी सीट, फिफ्थ इसकी ओवरऑल ओवर प्राइस्ड है। तो गाइस ये थी आपने कंप्लीट वीडियो। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ तो करिएगा, वीडियो देख रहे हैं तो कुछ करिए, पैसे नहीं लगते। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ऐसे ही परफॉर्मेंस एंड नॉलेज भरी वीडियोस हाई क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, वेलकम सून। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, वंदे मातरम। With the bells, with the bells.